लिहाज से, रूट डायवर्ट के लिहाज से, तो क्या कुछ खास प्लान है गौतम बुद्ध नगर पुलिस का? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ट्रैफिक डीसीपी गणेश प्रसाद साहा जी हैं। गणेश जी, किस तरीके की तैयारी की गई है और किस तरीके से रूट डायवर्ट किया गया है? देखिए, जब रूट डायवर्जन की बात करते हैं तो रूट डायवर्जन प्लानिंग का पार्ट है और जब इसकी आवश्यकता होती है, विशेषकर देखा जाता है जब वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से अल्प समय के लिए हम कुछ एरिया को प्रतिबंधित करते हैं, वाहनों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और कुछ जगह डायवर्जन करते हैं। लेकिन जो रूट वीवीआईपी रूट है, जिसको हम आपको शेयर नहीं कर सकते हैं चैनल के माध्यम से, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि जो हमारा मेजर जो मूवमेंट है वो एक्सप्रेसवे से है, तो उस एरिया में हमने पूरी डिप्लॉयमेंट किया है। एसटीएमएस के कैमरे हैं जिसके माध्यम से आपको एक्सप्रेसवे को मॉनिटर किया जा रहा है। शहर के और जगह जहां पर आपको पीक आवर में थोड़ा कंजेशन की दिक्कत होती है, वहां एटीएमएस के कैमरे ले देख रहे हैं। हमारे जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है वहां गूगल मैप के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। तो अभी तक जो पहला पीक आवर है वो निकल गया है। जो प्रतिनिधिमंडल है, जो लोग को भाग लेना था समिट में, वो होटल से पूरी तरह यहाँ पर सुरक्षित आ चुके हैं। कहीं कोई ट्रैफिक में दिक्कत नहीं हुई। आगे भी जो कार्यक्रम प्रगति में रहेगा, जो नेक्स्ट कार्यक्रम जुड़ते जाएंगे, तो उसकी एक अलग प्लानिंग है, अलग डिप्लॉयमेंट है। और हम जैसे जैसे आगे वाले कार्यक्रम में बढ़ेंगे तो हम लोग जो प्लानिंग जो हम लोग किया है उसके तहत बढ़ा जाएगा। और लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी दशा में इमरजेंसी वाहन को नहीं रोका जाएगा और उसके मूवमेंट को नहीं रोका जाएगा। और स्कूल के वैन की बात करें या फिर हॉस्पिटल की बात करें, तो वहाँ भी हमने डेवलपमेंट किया कि वहाँ भी इस मूवमेंट के कारण कोई दिक्कत ना है। अगर बात की जाए गणेश जी, तो ये 4 दिवसीय समिट है, इसमें विदेश से काफी ज्यादा लोग आए हैं इस समिट में भाग लेने के लिए, तो उनको लेकर के किस तरीके की प्लानिंग की गई है, खास तौर से रूट की? और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 दिवसीय ये जब समिट चलेगा तो इसमें कई वीवीआईपीज भी लगातार आने की बात कही जा रही है, तो उनको लेकर के किस तरीके से पूरा रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया है? आपने एक सवाल किया कि विदेशी प्रतिनिधिमंडल और काफी विदेशी जो अन्य देशों के लोग हैं जो कार्यक्रम से जुड़ेंगे, तो सबसे पहले जो ट्रैफिक पुलिस हो या हमारे कर्मचारी लगे हैं पुलिस के, उनको सॉफ्ट स्किल व्यवहार के बारे में बताया गया है। निश्चित तौर पे जब सुरक्षा की बात होती है और मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है तो उसमें ध्यान रखा जाता है कि जब आप व्हीकल को रोकते हैं तो निश्चित तौर पे प्रतिकार की बात आती है। तो हम लोगों ने बताया कि आप जो भी बात है प्रॉपर आप अच्छा व्यवहार करेंगे, लोगों को बताएंगे कि पार्किंग की क्या व्यवस्था है, उनके रूट डाइवर्जन की क्या व्यवस्था है। और इसमें निश्चित तौर पर गौतम बुद्ध नगर में जितने भी फोर्स लगी हुई है वो अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक अच्छा व्यवहार कर रही है। और जहाँ तक ट्रैफिक की बात है तो हर एक का मूवमेंट प्लान के हमने अलग अलग प्लानिंग की है। और मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि जो भी डायवर्जन होगा किसी भी वीआईपी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से या रिस्ट्रिक्शन होगा, बहुत ही अल्प समय के लिए होगा, जितनी जरूरत है उतनी की जाएगी और इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड वाहन को बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। तो आपने देखा हमारे साथ ट्रैफिक डीसीपी गणेश प्रसाद साहा थे, जिन्होंने कहा कि पुलिस को ये भी बताया गया है कि अतिथि देवो भवः, यानी अतिथियों का सत्कार कैसे किया जाए, कैसे